Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 3, Glimpses of the Past, class 8 from Honeydew book. So watch this video till the end. Let's start now, Glimpses of the Past. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. Here are some pictorial glimpses. यहाँ पर कुछ पिक्चराइज किया गया है, ग्लिम्सेस झलकी दी गई हैं पिक्चराइज करके हिस्ट्री की ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 से 1857 तक की. ओके, सो दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं और स्पीच बबल्स हैं, उक्ति मुखड़े जो हैं, ठीक है, हमें उन हालातों को समझने में मदद करेंगे जिनके कारण 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ था. द मार्टियर्स एट अ फंक्शन इन दिल्ली. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल The sacrifices of India's martyrs. अब यहाँ पे the martyrs, शहीद, ठीक है, जो शहीद हुए हैं उसके लिए दिल्ली के एक फंक्शन में लता मंगेशकर हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो इजीली, ठीक है, वो एक सॉन्ग गा रही हैं लता मंगेशकर के द्वारा. जो गीत गाया गया है वो ये है, ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757-1849, कंपनी की जीत, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की जीत. विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अब अपने आधुनिक हथियारों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो पावर थी, ठीक है, वो 18th सेंचुरी में भारत में फैला रही थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, और जो इंडियन प्रिंसेस थे, भारतीय राजा जो थे वो दूर अंदेशी थे. दैट अव स्टार्ट राजा वा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. वो राजा, मैंने अंग्रेज सौदागरों को बुलाया है, जो भी मर्चेंट्स हैं, ठीक है, सौदागर, उनको बुलाया है. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो उसे हराने में हमारी मदद करेंगे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट. और लोगों में, मतलब लोगों में अशांति फैली हुई थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि लगातार जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसकी वजह से उनमें अशांति फैली हुई थी. द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. रिवेलरीज दुश्मनियाँ, ये दुश्मनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही और एक के बाद एक उनके जो भारतीय राजा थे, इंडियन प्रिंसेस थे, वो सबड्यू होते गए, सबड्यू समाप्त होते चले गए. अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. और एक दूर अंदेशी राजा, ठीक है, फार सीइंग रूलर, दूर अंदेशी राजा, जैसे लाइक बहादुर टीपू सुल्तान, एक ब्रेव टीपू सुल्तान थे, बहादुर थे वो बहुत ज़्यादा. फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, उन्होंने जो टीपू सुल्तान थे अंग्रेजों के खिलाफ मरते दम तक उन्होंने लड़ाई की, मतलब इतना युद्ध किया कि वो खुद भी मर गए, मरते दम तक उन्होंने फाइटिंग की. थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो टू वाई ठग्स. अब बोल रहे हैं कि भारतीयों की इन विजय को लेकर जो प्रतिक्रिया थी, मतलब जो भी उनके काम थे वो क्या थे, कि शुक्र है भगवान का. वो अब क्या कर रहे हैं, गॉड को थैंक कर रहे हैं कि थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री, कि अब इस देश में शांति है. नो मोर वार्स एंड नो टू वाई ठग्स, अब और युद्ध नहीं होंगे, वार नहीं होंगे, और ना ही ठग और ठगों के द्वारा यहाँ पे लूट मार वगैरह होगी, ठीक है, वो सब ये हो रहा था. इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश. अब इट इज गॉड,
अब यहाँ पे भगवान ने अंग्रेजों को भेजा है, ये बोला जा रहा है कि भगवान ने अंग्रेजों को भेजा है, अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और जो हमारी किस्मत है वो उनसे जुड़ी भी हुई है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट, और अंग्रेज मतलब किस तरह से इस चीज़ पर, जो भी जीत को लेकर किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं थी इस चीज़ पर कि कैसे हम जीत रहे हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट, इंडियंस का रिएक्ट क्या था टू दिस कंक्वेस्ट, इस जीत को लेकर। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ ऑन अवर किंग्स, जो अंग्रेज हैं, ठीक है, वाइट मैन अंग्रेज गोरे लोग, उन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या फिर उनके जो राज सिंहासन है उनसे भी बेदखल कर दिया है, उनके राज सिंहासन को भी छीन लिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन आखिरकार वो हमारी धरती के ही थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836, रिलीजियस ब्रिटिश शासन, यहाँ पे ब्रिटिश रूल ब्रिटिश शासन, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, अब यहाँ पे धर्म के जो शिक्षक थे, रिलीजियस लीडर धर्म के प्रचारक, ठीक है, प्रीच्ड कर रहे थे आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और बाल विवाह जैसे मतलब उन चीज़ों को, धारणाओं का प्रचार कर रहे थे कि ये है। एनी वन हु क्रॉसेज द सी लॉसेज हिज रिलीजन, अब वो ये भी बोलते थे कि जो भी समुद्र पार करेगा, सी को क्रॉस करेगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, और उनका ये मानना था कि संसार के जितने भी दुख हैं वो किसके कारण हैं, वुमेन्स के कारण हैं, और उनका ये मानना होता था कि वो लेडीजा बहुत किस्मत वाली होती हैं जो सती होकर मरती हैं, जो सती हो जाती हैं वो बहुत किस्मत वाली होती हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, और ये सच था, ठीक है, सच ये था कि हिंदुस्तानी अपना क्या कर रहे हैं, स्वाभिमान खो चुके थे, सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी लॉस्ट हो चुकी थी, और अंग्रेज उसका बहुत ज़्यादा स्कॉर्न्ड कर रहे थे, मतलब फ़ायदा उठा रहे थे, अंग्रेज लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। और द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ के जो निवासी हैं, नेटिव्स जो हैं वो अनवर्दी हैं, झूठे हैं, ठीक है, और ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और सच्चाई से भी परे हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी ऑनेस्टी नहीं है। बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अवेंडन दियर फील्ड्स, अब जो सौदागर थे, मर्चेंट्स, सौदागर होने के कारण अंग्रेजों को जल्दी फ़ायदा चाहिए था, ठीक है, वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा चाहिए था ब्रिटिश लोगों को। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स, और उनके जो भारी कर थे, ठीक है, उसके कारण किसानों को क्या करना पड़ता था, टू अवेंडन दियर फील्ड, अपनी ज़मीनें भी देनी पड़ रही थी, उनकी ज़मीनें भी छिन रही थी उसके कारण। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, अब यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये एक वर्कर है, ठीक है, कर्जदार है बेचारा, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, वो बोल रहा है कि आपके जो आदमी हैं उन्होंने मेरी फसल ले ली है, वो फसल लेके जा रहे हैं मेरे। यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अब बोल रहे हैं कि तुम अभी क्या हो, एरियर्स हो, एरियर्स मीन्स कर्जदार हो, ठीक है, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगले हफ्ते तक उसे नहीं लौटाया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, जेल में भेज दूंगा। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, लेकिन सच तो यह है सरकार कि मैं बहुत सच्चा हूँ, जब यहाँ पे बात चल रही थी द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, तब वो बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सच है योर ऑनर लेकिन मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, फिर भी अंग्रेजों ने फायदा कमाने के लिए और तरीके अपनाए। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, इंग्लैंड में बनने वाले जो भी सामान थे, ठीक है, उसको भारत में बिना इम्पोर्ट के, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी के भेजा जाए।
अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा तरीका है, ये इनमें कन्वर्सेशन हो रहा है आपस में। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों से जो हिंदुस्तानी उद्योग थे वो क्रिपल हो रहे थे, अब चरमराने लगे थे। इन्वेटिबिलिटी फेमाइंस फॉलोड, अब बहुत ज़्यादा फेमाइंस हो गई थी, भुखमरी फैल गई थी। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, इसके बीच में इतनी डेट के बीच में 15 लाख इंडियन पीपल डाइड हो चुके थे, मर चुके थे स्टारवेशन के कारण, भुखमरी के कारण, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रियूड द एक्सपर्ट आर्टिसन, और ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो क्या कर रही थी, बर्बाद कर रही थी किसको, एक्सपर्ट आर्टिसन को, जो कि अपनी कला में निपुण थे, उनको बिल्कुल पूरी तरह से रियूड कर दिया उन्होंने, एंड दियर बिजनेसेस, और उनके बिजनेस भी हटवा दिए। एक तरह से अंग्रेजों ने जो भी कुशल कारीगर थे, जो भी एक्सपर्ट थे आर्टिसन, उनके अंगूठे ही कटवा दिए। राममोहन रॉय 1772 to 1833, राजा राममोहन रॉय, ओके। राममोहन रॉय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब राजा राममोहन रॉय बंगाल के एक बहुत ज़्यादा लर्न्ड मैन थे, विद्वान आदमी थे, वो समझ गए कि देश में क्या गलत हो रहा है, क्या गलत चल रहा है, वो ये सब समझ गए थे। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्स, अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमें एक दूसरे की मतलब उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, महान है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, और हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हम इसके लिए कैपेबल हैं, हमें सबसे पहले समाज को सुधारना पड़ेगा, जो हमारी सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें अपने समाज को सुधारना पड़ेगा। सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस, क्योंकि जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास, जो अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहा है, रूइनस बर्बाद करता जा रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि गाय अलग अलग कलर्स की होती हैं, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग जो होता है वो सेम होता है, वाइट ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक धर्म का अर्थ एक ही है, जो भी रिलीजन है हमारे उनका मतलब एक ही है, जो भी धर्म है वो सब सेम है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, अब उनको वो मतलब अट्रैक्ट हुए थे विज्ञान और जो भी इनकी नॉलेज थी साइंस की, ठीक है, विज्ञान और पश्चिमी तकनीकों से प्रभावित थे वो, अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनकी जो नॉलेज थी, ठीक है, वो कैसी थी, प्रैक्टिकल थी, प्रयोगात्मक थी, एंड साइंटिफिक और वैज्ञानिक भी थी। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर, ही टोल्ड देम, वो जब समुद्र पार करके विदेश गए और देखा उन्होंने कि अंग्रेजों को किस बात ने शक्तिशाली बनाया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया है ब्रिटिश लोगों को, फिर उन्होंने बताया, देयर ही टोल्ड देम, उन्होंने बताया कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको अपना शासन, जो शासक है, रूलर है, वो स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें अपनी प्रजा मानना होगा, सब्जेक्ट प्रजा, बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि एक शासक का अपनी प्रजा का ध्यान रखना उसका दायित्व है। ओके, सो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, बट द स्पीशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उन्होंने न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने 1823 में उसको बंद कर दिया। ऑपरेशन दमन या जबरदस्ती, या फिर आप बोल सकते हो दबाना, 1765 to 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज जो थे वो लगातार भारतीयों को दबाते रहे। इन 1818
दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, और 1818 में उन्होंने एक नियम लागू किया, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि भारतीयों को बिना अदालत में पेश किए जेल में भेजा जा सकता है। ऑल द टाइम्स ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रो बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, जो अंग्रेज अफसर थे, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो हमेशा भारत में बड़ी तनख्वाह पाते थे, एक बिग सैलरी पाते थे, और अपने बिजनेस में भी मुनाफा कमाते थे, बहुत ज़्यादा उनको अर्निंग होती थी। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ सेव्ड क्रॉस करोड़ रुपी टू इंडियन। अब 1829 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी सामान का क्या करना शुरू कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आयात करके, ठीक है, उससे क्या कमाया, 7 करोड़ रुपीज, 7 करोड़ रुपए कमाए। द ब्रिटिश रिपोर्ट्स ऑन द कंपनी लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, कंपनी जो थी वो संपन्न होती गई, प्रॉस्पर्ड होती गई, और इंडियन इंडस्ट्रीज जो भारतीय उद्योग थे वो बिगिन टू डाई, मरने लगे। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, यहाँ तक कि जो गवर्नर जनरल बेंटिंक थे, ठीक है, उन्होंने भी वापस जाकर कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि कपास क्या है, कॉटन, कपास, किसानों की हड्डियाँ भारत की भूमि को सींच रही हैं। दिस सेटिस्फैक्शन 1835 to 56, ओके, 1835 to 56 डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज, भारत में शिक्षा जो थी वो संस्कृत या फिर पर्सियन थी, पारसी में दी जाती थी। 1835 में एक अंग्रेज विद्वान, ठीक है, मैकाले ने एक चेंज लाया, परिवर्तन सुझाया, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें यहाँ जो भी निवासी हैं, यहाँ के नेटिव्स हैं, उनको अंग्रेजी सिखानी चाहिए। आई एग्री, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स अंडर देम, इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अंग्रेजी शिक्षा ने, जो भी इंग्लिश एजुकेशन थी, उसने क्या करा, प्रोड्यूस किए क्लर्क्स, क्लर्क को जन्म दिया, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने नीचे नौकरी पर रखा, ठीक है। इंसिडेंटली, भाग्यवश क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन, इससे इसने मतलब नई पीढ़ी को भी जन्म दिया। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना होगा, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो भी मटेरियल कंडीशंस हैं, भौतिक स्थिति है, उनको भी सुधारना होगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपनी शिकायत, जो भी हमारी ग्रीवेंसेज हैं, शिकायत हैं, वो ब्रिटिश संसद में भेजनी चाहिए, पार्लियामेंट में क्या करना चाहिए, भेजनी चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक अंग्रेजों ने लगभग सारे भारत पर कब्जा कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, उन्हें भारतीयों की जो जरूरतें थी उनका थोड़ा सा भी ख्याल नहीं था, केयर नहीं थी। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉट्स अवर ओल्ड जॉब, लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, और जो हमारे राजा थे, अवर किंग्स, और बिकम पपेट्स, उनके लिए क्या थे, कठपुतली बन गए थे। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और उन्होंने क्या करा, हमारी मतलब जो पुरानी जॉब्स थी उनको भी छीन लिया। एंड लैंड्स, और ज़मीनें भी, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम केवल बातें करते हो
मैं उन्हें निकालने के लिए कुछ करूंगा। ये आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है। द स्पार्क्स 1855-57 स्पार्क्स चिंगारी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रून द पीजेंट्स इन बंगाल। द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूलर्स रूल्स बिकम डेस्परेट। लगान क्या कर रही थी, जो कर थी टैक्स था वो किसानों को लगातार रियून कर रहा था, ठीक है, बर्बाद करता जा रहा था पीजेंट्स को, पीजेंट्स किसान। बंगाल में वे किसान जिन्होंने नए भूमि नियमों के अनुसार अपनी जमीनें खो दी, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, डेस्परेट हो गए, बिल्कुल व्याकुल हो उठे। इन 1855 दे रोज इन रिवेलियन एंड मैस्क्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में उन्होंने रिवेलियन स्टार्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, और बहुत से यूरोपियों और उनके समर्थकों को भी मार डाला, उनको भी मतलब मार डाला था जो भी उनके समर्थक थे। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मीज टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी क्या हो रहा था, ब्रूइंग हो रहा था, मतलब क्या ब्रूइंग हो रहा था, डिसकंटेंट मतभेद, डिसकंटेंट मतभेद ब्रूइंग उभर रहा था। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट। और जो वाइट सोल्जर्स थे, जो वाइट सिपाही थे, गोरे सिपाही, उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, उनको ह्यूज पे मिल रहा था, ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मैंशंस भी मिल रहे थे, बड़े बड़े घर और नौकर भी मिल रहे थे, ठीक है, सर्वेंट्स भी मिलते थे उनको। व्हाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और जबकि हमें बहुत कम पिटेंस, अल्प वेतन और एंड स्लो प्रमोशन और बहुत धीमी तरक्की मिलती थी, हमें ज़्यादा नहीं हो रहा था कुछ भी, लेकिन जो गोरे लोग थे, वाइट सोल्जर्स थे, उनके लिए बहुत कुछ हो रहा था। द अंग्रेज asks us to cross the sea which is against our religion. अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने को कहते हैं। Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs? जो हमारे धर्म के खिलाफ है, ये टोपी वाला कौन है? हमारे सदियों पुराने जो भी रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनको बदलने वाला ये टोपी वाला कौन होता है? We must drive out the अंग्रेज, हमें क्या करना होगा, अंग्रेजों को बाहर निकालना ही होगा, उनको भगाना होगा यहाँ से। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, ठीक है, रिवोल्ट कर दिया, उन्हें नौकरियों से बर्खास्त भी कर दिया गया था, स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उनको नौकरियों से बर्खास्त कर। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब जो सिपाही मंगल पांडे थे, उन्होंने कुछ सैन्य दल लेकर रेजिमेंट्स के साथ एडजुटेंट सहायक को ऐड करके अपने साथ, मतलब बहुत सारे लोगों को लेके एग्जीक्यूटेड कर दिया, संचालन शुरू कर दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, और अपमानित होकर उन लोगों को अपमानित कर क्या कर दिया, एंड पुट इन आयरन, उनको हथकड़ी पहना दी इस तरह से। फिर बाद में जो भी लोग उनके साथ थे, उनको हथकड़ी भी पहना दी गई थी। Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind. केवल कुछ ही अंग्रेज थे जो भारतीय परंपराओं और लोगों के दिमागों को समझ सकते थे कि उनके जो कस्टम्स हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the blade you have to wipe is made from the fat of cows and pigs? Hey, ब्राह्मण सिपाही, क्या तुम जानते हो जिस कारतूस की ग्रीस को तुम मुंह से काटते हो, ठीक है, तुम ग्रीस को क्या करते हो, जो ब्लेड है उस पर ग्रीस लगता है तो उसको मुंह से काटते हो, वो किसकी बनी हुई है, गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, ठीक है, काउ एंड पिग से बनी हुई है, फैट से उसके। व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, अंग्रेजों ने भी हमें धोखा दिया है। ये आप बोल रहे हैं अब यहाँ पे कि अंग्रेजों ने भी क्या करा है, हमको धोखा दिया है, डिसीव किया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज। अब जल्द ही एक गांव से दूसरे गांव में,
ठीक है, विलेज टू विलेज क्या करा गया, चपाती सेंड की गई, रोटियां भेजी गई, ये बताने के लिए कि उनके राजा को उनकी सेवा की जरूरत है। यस ऑल माई ब्लेस मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे सभी गांव वाले तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह से भारतीय सैनिकों के बीच कमल बांटे गए। डेथ टू द फॉरनर, किसके लिए, अंग्रेजों की मौत के लिए। द मैसेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, जनता ने देशभक्तों की मदद की और उन्हें आसरा भी दिया। रिवॉल्ट 1857, रिवॉल्ट क्रांति। देन देर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, फिर मेरठ में एक भयंकर युद्ध हुआ। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और सिपाही दिल्ली की ओर चल पड़े। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह सलामत रहे। द रिविलियन स्प्रेड वाइडर, जो क्रांति थी, विद्रोह था, वो चारों तरफ फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स एंड लॉस्ट देयर हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर रो, कई जमींदारों ने अंग्रेजी नीतियों के कारण अपनी जमीनें गंवा दी, इसलिए वे भी नाराज थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेजों का शासन अब एंड होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, और बहुत से पुराने जो शासक थे जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल, में बहुत ज़्यादा बिटरनेस थी, कड़वाहट थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, गोरों ने मेरा सारा राज्य छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद टोल द पीपल, और जो प्रख्यात नेता थे जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने लोगों को बताया, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, उठो भाइयों उठो, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारी जमीनें क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जो रानी थी ना ये हजरत महल, उन्होंने क्या करा, बेगम हजरत महल ने, दे ज्वाइन द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरनर, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई, मतलब अंग्रेजों से लड़ने के लिए उस विद्रोह में, रिविलियन में शामिल हो गई थी। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली कानपुर और इलाहाबाद में भी सभी जगह लोग उठ खड़े हुए थे। अनीमुल्ला खां टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तांत्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहेब को इस स्वतंत्रता युद्ध में अपना नेता बनाना चाहिए। 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, अब जो 80 ईयर्स के बिहार के कुंवर सिंह थे, ठीक है, उनको लड़ाई में गोली लगी थी, जब लड़ाई चल रही थी तो उनको किस में गोली लगी थी, रिस्ट में, कलाई में गोली लग गई थी, उन्होंने उसे काट कर क्या करा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने क्या करा कि उसको काट कर, अपनी कलाई को ही काट कर गंगा में फेंक दिया था, और बोला कि गंगा माँ, मदर गंगा, गंगा माँ, ये मेरी आखिरी भेंट है तुम्हारे लिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ट बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में युद्ध लड़े। ओके सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। ओके थैंक यू।